This is cap. Cap. Okay. Next picture. What is this? आपने तो इसे देखा हुआ है या आपकी स्ट्रीट में भी होती है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं आपको अक्सर रोड पे भी ये नजर आती है. ये है कैट. दिस इज कैट. अब कैट के काफी सारे कलर्स होते हैं. कैट व्हाइट कलर में भी होती है, ब्लैक कलर में भी होती है, ब्लैक एंड वाइट भी होती है, ग्रे कलर में भी होती है, ब्राउन कलर में भी होती है. तो अल्लाह ताला ने कैट को कितने बहुत सारे कलर्स दिए हैं. दिस इज कैट. कैट. ओके. नेक्स्ट पिक्चर इज कैरेट. कैरेट. गाजर को इंग्लिश में कहते हैं कैरेट. कैरेट. कैप. कैट. कैरेट. आप सब बच्चे जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ आपने मेरे साथ इसको रिपीट करते जाना है, ताकि आप सब बच्चों को भी वो कैबरी भी याद हो जाए और इनके नेम भी पढ़ने आ जाए. ठीक है, चले जी. अब दोबारा से मेरे साथ आप सब बच्चों ने रीड करना है. कैप. कैट. कैरेट. कैरेट. Cat, cap. Okay, these all things start from letter C. ये जो चीजें अभी हमने, जिन चीजों के नाम हमने पढ़े हैं, ये सारी चीजें जिस लेटर से स्टार्ट होती हैं उस लेटर का नेम है C. C. सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं, ठीक है. What is the name of this letter? C. C. Okay. अब जैसे लेटर ए की हमने साउंड बताई है आपको, लेटर बी की साउंड बताई है, इसी तरह से लेटर सी की भी साउंड होती है. बल्कि सब लेटर्स, जितने हम लेटर्स आगे पढ़ते जाएंगे सब की आपको साउंड्स पता चलती जाएंगी. ठीक है, तो लेटर सी की जो साउंड है वो है ख. ख. सब बच्चों ने अपने हैंड से सी बनाना है. चलें, शाबाश. सब बच्चे अपने हैंड से ऐसे सी बनाएं. मेक अ सी फ्रॉम योर हैंड्स लाइक दिस. आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे मिला हुआ होना चाहिए, ओपन ही होनी चाहिए, और ऐसे करना है. सी बन गया है ना, ये सी की तरह लग रहा है ना. देखें, ये बिल्कुल सी के जैसा लग रहा है. तो आप सब बच्चों ने भी ऐसे अपने हैंड से सी बनाना है, ताकि आपको इसका नेम भी याद हो जाए और इसकी शेप भी याद हो जाए. What is the name of this letter? C. And the sound is kh. Kh. अब आपने ऐसे एक्शन करना है और साथ में आवाज साउंड बतानी है. kh. kh. The name of the letter is C and the sound is kh. चले जी, अब हम लेटर का नेम विद साउंड और वोकैबुलरी पढ़ेंगे. C. kh. Cap. Seekh. Cap. Seekh. Cat. Seekh. Cat. Seekh. Carrot. Seekh. Carrot. What is the name of this letter? C. And the sound is k. And the sound is k. C. K. C. K. ओके. अब मैंने जितने लेटर्स, जितनी वोकैबुलरी रिपीट करवाई है और लेटर का नेम, इसकी साउंड बताई है, ये एंड में मैं आप बच्चों से पूछूंगी. अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी, आपने मेरे साथ उसको रिपीट करना है. ओके, अब लास्ट टाइम हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम रिटर्न काम की तरफ आ जाते हैं. ओके. सी ख. कैप. कैट. कैरेट. Cap, cat, carrot. Okay, अब आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया है. अब आप सब बच्चे अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाल लें, ठीक है. टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक. ए है, अल्फाबेट ए है. आपने उस एप्पल को कलर करना है. आप सब बच्चों को पता है ना कि एप्पल का कौन सा कलर होता है?
का कलर रेड होता है। एप्पल का कौन सा कलर होता है? रेड। तो आप सब बच्चों ने अपने हैंड में रेड कलर पकड़ लेना है। टेक आउट योर रेड कलर। ओके, अब आपने गौर से देखना है कि कौन से एप्पल के अंदर अल्फाबेट ए है। आपने सिर्फ उसी लेटर एप्पल को कलर करना है। अगर जिस एप्पल में कोई और लेटर है तो आप उसको कलर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें, इस एप्पल के अंदर है लेटर ए, तो आपने इसको कलर करना है। अब पिक्चर छोटी सी बनी हुई है, ठीक है, तो इसकी तो हम बाउंड्री नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, और आपने इसको प्यारा प्यारा नीट नीट कलर करना है। आप सब बच्चे इसी तरह से स्लोली स्लोली कलर करें ताकि आपके कलर्स जो हैं वो इस एप्पल में से बाहर ना निकलें। जब पिक्चर बहुत छोटी होती है तो कोशिश किया करें कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली कलर करें ताकि आपके कलर्स पिक्चर जो बनी हुई है उसमें से बिल्कुल भी बाहर ना आए। अब देखें, यहाँ पे हमने वन एप्पल को कलर कर लिया है। अब ऊपर जो इसका लीफ है इसमें हम करेंगे ग्रीन कलर। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने ट्री में और एप्पल्स देखने हैं कि किस एप्पल में लेटर ए है। तो इस एप्पल में लेटर ए लिखा हुआ है, अल्फाबेट ए है, सो हम इसको कलर करते हैं। और सब ने नीट नीट बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स करने हैं। और आपको पता है ये कलर्स जो है ना, ये इरेज नहीं होते हैं। अगर मैं कलर को बाहर निकाल दूंगी, इसको इरेज करूंगी, तो वो इरेज नहीं होगा और मेरी जो कॉपी का पेज है वो बहुत अनटाइडी लगेगा। तो आपने स्लोली स्लोली इसको कलर करना है। ओके जी, ये भी हो गया हमारा। फिर आपने ऊपर लीफ में ग्रीन कलर कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर इस एप्पल में है हमारे पास अल्फाबेट ए, तो हम इसको अप डाउन ऐसे करके कंप्लीट करेंगे अपना कलर। आपने बिल्कुल भी कलर को बाहर नहीं निकालना। जहाँ से कलर आपका रह जाए वाइट वाइट, आपको छोटा सा भी स्पॉट नज़र आएगा तो आपने उसके ऊपर दोबारा कलर करना है, ठीक है। वाइट वाइट बिल्कुल भी पेज नज़र नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास इस एप्पल में लेटर बी है तो हम इसको कलर नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जस्ट टू एप्पल रह गए हैं, टू एप्पल्स आर लेफ्ट, तो हम इनको जल्दी से कलर कर लेते हैं ताकि हम लेटर सी की ट्रेसिंग पे आ जाएं। आप सब बच्चों ने सब एप्पल को कलर नहीं करना, ओके। जिन एप्पल के अंदर अल्फाबेट ए है आपने जस्ट उनको कलर करना है। अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो आपका ये काम अभी फिनिश हो जाएगा। ओके, ये हमारा लास्ट है। आपने प्यारा प्यारा कलर करना है ताकि कलर्स जो हैं वो बिल्कुल भी बाहर ना आए, आपका काम भी नीट रहे। ये देखें, अब यहाँ पर इसके लीफ में हम ग्रीन कलर कर देंगे और ये हमारा पेज नंबर 6 हो गया है कंप्लीट। लुक एट द पेज। मैंने और किसी भी एक्स्ट्रा एप्पल को कलर नहीं किया।
जिन एप्पल के अंदर लेटर ए था मैंने जस्ट उनको कलर किया है, बाकी किसी को आपने कलर नहीं करा. गॉट इट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7. अब इस पेज पे भी आपने सबसे पहले डेट राइट करनी है, देन SW पे टिक लगाना है, देन नेक्स्ट डे राइट करना है. ट्रेस द हॉलो लेटर. ये हॉलो लेटर है, आपने इन पे ट्रेसिंग करनी है पेंसिल से. ओके जी, सब बच्चे अपने हैंड में अपनी पेंसिल को पकड़ लें अच्छे से. और आपको जैसे हम गाइड करते हैं कि हमेशा आपने बिग डॉट से स्टार्ट करना है, सो पुट योर पेंसिल ऑन द बिग डॉट. ये आपको बिग डॉट नजर आ रहा है, आपने अपनी पेंसिल यहाँ बिग डॉट पर रखनी है. ओके, पुट योर पेंसिल ऑन द बिग डॉट एंड लुक एट द डॉट्स. ओके, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन एंड स्टॉप. अब यहाँ पे देखिए मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ डॉट से थोड़ा सा हट गया है, हिल गया है, तो हम इसको इरेज करके राइट करेंगे. आप सब बच्चों से गलत होगा, कोई बात नहीं, आपने उसको इरेज करना है और दोबारा से ट्रेस करना है. ठीक हो गया? ओके जी, अब हमारा एक लेटर जो है वो ट्रेस हो चुका है. अब हम आते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ. अब हमने इसको भी प्यारा प्यारा ट्रेस करना है. पुट योर पेंसिल ऑन द बिग डॉट, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन एंड स्टॉप. आपको पता है लेटर सी का जो माउथ है ना, लेटर सी का मुंह, वो हमेशा खुला हुआ होता है ऐसे. देखिए जिसका माउथ है ना, ये खुला हुआ है, ये कभी बंद ही नहीं होता था, ये हमेशा खुला रहता था. शायद इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, इसीलिए इसको खाना पसंद था, इसीलिए शायद. चलें जी, अब आप सब ने भी मेरे साथ लेटर सी को ट्रेस कर लिया है. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. 10. ओके, आपने पेज टर्न करके नेक्स्ट पेज निकालना है. इस पे भी आपने ऊपर फर्स्ट डेट SW पे टिक लगाना है और डे राइट करना है. अब प्रैक्टिस में आपने लेटर सी को ट्रेस करना है प्यारा प्यारा, नीट नीट. ओके, अब आपने यहाँ पे 4 लाइंस है ना, 4 लाइंस, 1, 2, 3, 4. लेकिन लेटर सी जो है वो 2 and 3 लाइन के मिड में आता है, आपको नजर आ रहा होगा. अब हमने लेटर सी को ट्रेस करना है और ये स्मॉल सा लेटर होता है, छोटा सा लेटर होता है, क्यूट सा, प्यारा सा, आप सब की तरह. तो हम अब लेटर सी को ट्रेस करेंगे और साथ साथ सब बच्चों ने लेटर का नेम, लेटर की साउंड पढ़ते रहना है. सी ख, सी ख, सी ख, सी ख. बहुत छोटा सा है तो ये आप जल्दी जल्दी और प्यारा प्यारा राइट कर लेंगे, साथ साथ पढ़ते भी जाएं. सी ख, सी ख, सी ख. अब मैं तो जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, लेकिन आपने आराम आराम से इसको ट्रेसिंग करनी है और बिल्कुल भी आपने डॉट से हटना नहीं है. ओके, अब आपको मैंने ये ट्रेसिंग का मेथड बता दिया है. अब हमारे पास 5 मिनट्स रह गए हैं, सो मैं आपसे जल्दी से क्वेश्चंस करती हूँ. जो आज का लेटर हमने पढ़ा था, आपने मुझे वोकैबुलरी, लेटर नेम एंड साउंड बतानी है. ओके, सो बी रेडी. जिस बच्चे का मैं नेम कॉल करूँ वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करेगा, तभी मैं उनको सुन पाऊंगी. ओके,